तो दोस्तों स्वागत है आपका आज हमारे चैनल में। मैं स्वप्निल और आज हम देखेंगे कि इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस की क्या क्या तैयारियां विद्यापीठ द्वारा की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी यहां पे शानदार सी रोडें बनाई गई है और पेंटिंग पूरे कैंपस की हो चुकी है। कुछ गार्डन्स है, ये लोग देख सकते हैं आप, शाम का जो प्यारा बेहतरीन नज़ारा है। और हम देखेंगे कि जो जो न्यू बिल्डिंग्स हैं उनका जो हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी इनके हाथों से उद्घाटन होने वाला है, वो भी बिल्डिंगें किस तरीके से सजाई गई है। और जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम होने वाला है साइंस कांग्रेस, सो विज्ञान के बिना जीवन असंभव है। जैसे कि क्या रिसर्च चल रही है, कृषि हो, चिकित्सा हो, स्वास्थ्य संबंधित हो, या इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट्स है, क्या क्या रिसर्च हो रही है, इन सब का इस प्रोग्राम में बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान हम सबको मिलने वाला है। तो ये जो यहाँ का एक इस बिल्डिंग का जो नेचुरल इन्होंने सौंदर्यकरण किया गया है, इसका अभी उद्घाटन 3 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इनके हाथों से होने वाला है। ये जो नज़ारा है ये देखिए, बेहतरीन नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पे गार्डन्स को एस्थेटिक तरीके से बहुत ब्यूटीफुल सजाया गया, फाउंटेन जो है, ये जो टेंट लगे हुए हैं, अरेंजमेंट ऐसी है कि करीबन करीबन 1 लाख के ऊपर लोगों का यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है। कुछ कुछ ऐसे सेशंस होने वाले हैं जो फॉरेन टॉक, जो फॉरेन नोबल लॉरेट्स हैं उनका जो ज्ञान है, जो उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। उसके बाद हम चलेंगे आगे की ओर, जहाँ हम देख सकते हैं कि जो वुमेन्स एम्पावरमेंट हमारा जो थीम है इस साल का इंडियन साइंस कांग्रेस का, जो हमारी यूनिवर्सिटी होस्ट करने वाली है, वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं की गई है देखने को। तो अब हाँ, थोड़ा यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नई बिल्डिंग्स है इस बार इनॉग्रेट होने वाली है, ये जो है इंग्लिश डिपार्टमेंट हो गया, यहाँ से हमारा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, ये भाषा भवन। देन इसके आगे हम और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। काफ़ी चहक महक तो कैंपस में दिखाई दे रही है दोस्तों, लेकिन आप अपने जीवन का जो बहुत हमारे नागपुर के करीब भी